नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में बाहरी राज्यों हरियाणा से 5, गुड़गांव से आए 5 और 2 अन्य लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग कर 14 दिनों के लिए इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। यहां पहले से ही 11 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जिनकी अब कुल संख्या 20 हो गई है। चिकित्सा अधिकारी एंजल पटेल से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु गड़िया ने। इसे मैं मौजूद हूँ कुमाऊं मंडल विकास निगम के क्वारंटाइन सेंटर पे, और जैसा कि जो जनपद में भारी राज्यों से लोग जो यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे गुड़गांव से हो, चाहे एमपी के लोग से आ रहे हैं, तो लगातार जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की उन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। पुलिस चेक पोस्ट पर उनको पास होने के बाद ही आने दिया जा रहा है, और डॉक्टर की लगातार टीम यहाँ पर उनको थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे लोग करीब 18 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरी देखरेख में यहाँ रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, इनसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों को सर यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यहाँ रखा गया और कैसी उनकी सुविधा है सर? यहाँ पर जो है आज जो है टोटल 20 लोगों को रखा गया है क्वारंटाइन के लिए, और सभी की थर्मल स्क्रीनिंग प्रातःकाल में हो चुकी है, और किसी को भी कोई लक्षण नहीं है, और सारे लोग सामान्य हैं। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग में भी नॉर्मल आए हुए हैं, और सभी लोगों को अलग अलग रखा गया है। साफ सफाई के तरीके, खाने पीने की सावधानियां, और मानसिक रूप से तनावग्रस्त न रहें उसके लिए काउंसलिंग, ये नियमित रूप से रोज किया जा रहा है। थर्मल एक्स स्कैनिंग दिन में 2 बार की जा रही है डॉक्टरों की टीम के द्वारा। समाज 365 से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 लोग को यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, उनका बेहतर तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रही है, दिन के 2 बार चेकअप किया जा रहा है, तो लगातार जो चिकित्सीय सेवाएं उनको दी जा रही है, 14 दिन तक वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उन्हें अपने अपने घर होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा। बाकी सर जी, मानसिक समाज। लॉकडाउन में कई उपद्रवी पुलिस प्रशासन को चकमा देकर एक शहर से दूसरे शहर निकल रहे हैं। खासतौर पर रुद्रप्रयाग जनपद में नजीमाबाद से आने वाले सब्जी के ट्रकों में लॉकडाउन के बाद भी बड़ी संख्या में सब्जी व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग यूपी से यहां पहुंच रहे थे, साथ ही यहां से बाहर भी जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने सख्ती की है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में इन दिनों एकाएक सब्जी की दुकानें भी बढ़ गईं। आपको बता दें कि जिन बिजनौर और नजीबाबाद के लोगों के द्वारा सब्जी के अलावा अन्य व्यवसाय किए जाते थे, वो लोग भी इन दिनों सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि अब रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल और पुलिस कप्तान नवनीत सिंह ने इस स्थिति को ठीक करने का आश्वासन दिया है, जबकि बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी तरह से रोक लगाने की कार्रवाई कर दी गई है। दोनों अपनी चेक पोस्ट पर चिरबटिया और सिरोगढ़, दोनों पर आरएफ बेस्ड सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमने सभी मजिस्ट्रेट्स को और थाना इंचार्ज को दिए हैं कि अगर कोई भी ट्रक या यूटिलिटी पास होती है तो उसको पूरी तरह से चेक किया जाए कि उसमें किस। इसमें हमारे यहाँ जितने लेबरर्स हैं सारे लिस्टेड हैं, इसके प्रत्येक दिन सूचना जो है शासन दी जा रही है। अभी 2 दिन पहले अगस्त महीने में एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें कि 24 लेबरर चुपके जा रहे थे, और उसमें कुछ विकास नगर के थे, कुछ हिमाचल के थे, कुछ सहारनपुर के थे और कुछ बिजनौर के थे। तो उसे ट्रक मालिक के खिलाफ और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, 270 लोगों से पकड़ा गया। कोरोना से लड़ाई में सीमांत जनपद चमोली से सटे गांव में ग्रामीण भी पूर्ण भागीदारी निभाते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जिले के महज 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा कथियूर गांव के ग्रामीण भी कोरोना के जंग में शामिल हैं और शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। एक बस्ती सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, साथ ही राशन डीलर के पास भी 2 महीने का राशन उपलब्ध है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में बाहर से आने वाले लोगों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मेरे पास जो है अभी ऐसे राशन कार्ड है, और अप्रैल और मई मैंने बांट दिया, अभी बांट रहा हूँ समझ लो, और राशन जो है कल 3 तारीख को। जी, जब से लॉकडाउन हुआ है ये ग्राम पंचायत के अंदर सबको बता दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा न होइए। टिहरी में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में फीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में विभिन्न समुदाय और संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में सभी समुदायों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी ने कहा कि इस महामारी से एकमात्र बचने का उपाय सामाजिक दूरी ही है। जनपद से
जितने भी जुड़े हुए सर्व धर्म के लोग हैं उनकी और जो विभिन्न व्यापार प्रतिष्ठान और इनके जो एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें कि जो ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है इसमें जो भी प्रशासन ने व्यवस्थाएं की उनकी जानकारी दी गई, साथ ही इनको इस वायरस से बचने के लिए और विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक जानकारी और निर्देश दिए। बागेश्वर तहसील के अंतर्गत चचाई गाँव में जंगल की आग में दो महिलाएं जिंदा जल गई जबकि तीसरी महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक महिला का शव शनिवार की देर शाम 9 बजे बरामद किया गया जबकि दूसरी महिला का शव सुबह बरामद किया गया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया था। अग्निकांड में मृतका इंदिरा के 5 और नंदी के 4 बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दोनों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी पूर्व विधायक ललित फर्सवाल ने अपने निजी खर्चे से की। यहाँ ये कल हमारी कुछ महिलाएं यहाँ से जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी और जिस दौरान उनके घास काटने के अचानक नीचे से आग आ कर गई और बुरी तरह से झुलस करके उनके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। 4 अप्रैल की घटना है। कपल टॉप के बीच कपूरगन क्षेत्र अंतर्गत में दो महिलाएँ घास के लिए गई थी यहाँ से, तो अचानक पीछे के द्वारा आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, उसमें आग से झुलसने का कारण इनकी मृत्यु। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।